नमस्कार। मेहनत बाद में करना, पहले यह देख लेना, वरना ध्यान रख लेना मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, मेहनत का रिजल्ट जीरो हो जाएगा, जीरो। और बहुत से सफल लोग मेहनत बाद में करते हैं, पहले यह करते हैं। आप ऐसी गलती मत करना कि उठे और मेहनत करने लग गए, कोलू की बेल की जैसे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन जो लक्ष्य के लिए जरूरी चीज है वो कहां है? ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, हवा में मेहनत कर रहे हैं, ऐसा आप मत करना, वरना आपकी मेहनत जीरो होते देर न लगेगी। तो ऐसा क्या करना चाहिए आपको कि मेहनत भी आपकी सफल हो जाए और आपका संघर्ष भी आपका सफल हो जाए? ऐसा क्या करना चाहिए? तो इन बातों को आप ध्यान रख लेना। जब भी कोई आप प्रोजेक्ट शुरू करो या जब भी कोई भी काम शुरू करो, उससे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना, कैसे होगा, क्या होगा, क्या मुश्किलें आएगी, क्या समस्या आएगी, ये सब नॉलेज इकट्ठा कर लेना। आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, पहले उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया नहीं, पहले उसके बारे में जानकारी ली नहीं और बस शुरू कर दिया, फिर मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, अरे यार क्या पागलों जैसी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा तो रुको। कुछ भी शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि क्या ये वाकई में मेरे लिए सही है या ना है, कितना पैसा लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितना मुझे धैर्य रखना होगा, ये सब जानकारी आपको रखनी होगी, ध्यान रख लेना। सेकंड, उस प्रोजेक्ट के बारे में फायदा और नुकसान के बारे में पहले ही सोच लेना। कुछ भी शुरू करने जा रहे हो ना, तो देखना कि इसका क्या स्कोप है, कितना फायदा मैं अर्न कर सकता हूं, और ये भी देखना कि ज्यादा से ज्यादा मुझे नुकसान कितना हो सकता है। ये दोनों चीजें जरूर देखना उस प्रोजेक्ट में, वरना स्टार्ट कर दिया, देखा ही नहीं, फिर नुकसान हो गया, नुकसान आप झेल नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, कैसे मुंह दुखाओगे दुनिया को? ऐसे मत कर। और रही बात फायदे की, स्टार्ट कर लिया, फायदा थोड़ा ही हो रहा है, मेहनत खूब कर रहे हो, फिर दिमाग खराब हो रहा है, फिर घर वालों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ऐसा क्यों करना यार? कुछ भी काम स्टार्ट करो, सबसे पहले उसके देखो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, फिर स्टार्ट करो। थर्ड, भावनाओं में मत बहना। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, अरे यार आजकल ये बिजनेस अच्छा चल रहा है यार, तू भी ये कर ले यार, आजकल ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सफल हो रहा, तू भी कर ले यार। लोगों की बातों में आकर कुछ भी स्टार्ट मत करना, भावनाओं में मत बहना। लोग कर रहे हैं, अरे यार वो तो इतने पैसे कमा रहा है यार, उसने तो उस बिजनेस में ऐसा कर लिया, करने वालों ने कर लिया होगा। खुद के बारे में सोचना कि क्या मैं कर सकता हूं, ये जरूर सोचना। लोगों की देखा देखी में होड़ में मत बहना, अपना डिसीजन अपने विवेक से लेना। बाकी लोगों की भावनाओं में आकर डिसीजन ले लिया, फिर हुआ कुछ नहीं तो जगह सही किसकी होगी? आपकी होगी। और फिर कहोगे हाँ यार मैं उनकी बातों में नहीं आता तो अच्छा रहता यार, मैं उनकी बातें नहीं मानता तो अच्छा रहता। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, भावनों में मत बहना, खुद का विवेक यूज करना। कोई भी काम स्टार्ट करो उससे पहले अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में अच्छी तरह से जानना। कुछ भी काम हो आप शुरू करना चाह रहे हो तो देखना कि मेरी ताकत क्या है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने मुझे क्या एबिलिटी है मेरे में, ये देखना। फिर देखना कि यार मेरी क्या कमजोरी है यार, किस कमजोरी की वजह से मैं फेल हो सकता हूं, मेरी किस कमजोरी के कारण मुझे असफलता देखने को मिल सकती है, ये जरूर देखना। अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो उससे पहले अपनी ताकत और कमजोरी देख लेना, वरना आप फील्ड में उतर गए किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आपकी ताकत का आपको पता नहीं, आपकी कमजोरी का आपको पता नहीं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, रात कहीं जा रही है, दिन कहीं जा रहा है, पता ही नहीं है, और सफलता मिल ही नहीं रही है। फिर कहते हैं, फिर भाग्य को दोष देते हैं, फिर किस्मत को दोष देते हैं, और फिर भगवान को दोष देते हैं।
ऐसा मत करना यार। सबसे पहले अपनी कमजोरी देखना और अपनी ताकत देखना, फिर स्टार्ट करना किसी प्रोजेक्ट को। और कोई भी काम स्टार्ट करो उससे पहले खुद से वादा करना, कितनी ही असफलता मिलेगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, संघर्ष आएगा लेकिन मैं धैर्य रखूंगा, और मेहनत में रात दिन करूंगा, खुद से वादा करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत उत्साह रहता है, उमंग रहता है, जोश रहता है, रात दिन काम करते हैं, हाँ यार नया नया प्रोजेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता, साल दो साल तीन साल, फिर बात ठंडे हो जाती, हाँ यार चल रहा है यार, बस दाल रोटी मिल रही है यार, वो वैसी उमंग नहीं रहती है, वैसा जोश नहीं रहता है, वैसी मेहनत नहीं रहती है, वैसा धैर्य नहीं रहता है। क्यों? आप ऐसा मत करना, अपने आप से वादा करना कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी, जब तक मैं सफलता के टॉप पर नहीं पहुंचूंगा, मैं मेहनत करना बंद नहीं करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, और असफलता मिलेगी लेकिन मैं उसका सामना करूंगा, संघर्ष मिलेगा, कठिनाइयां मिलेगी लेकिन मैं उसका सामना करूंगा। काम शुरू करने से पहले यह वादा अपने आप से कर लेना, फिर देखना। दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाए। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कोई भी काम शुरू करो उससे पहले यह सोचना कि लोगों की परवाह कभी मत करना, लोग क्या कहेंगे। अगर काम शुरू करने से पहले यह सोच लिया कि लोग क्या कहेंगे, तो समझ लेना कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। घर पे बैठ जाना, नौकरी कर लेना छोटी मोटी, लेकिन कुछ बड़ा मत करना। अगर आप इस बात से डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप जरूर ध्यान रख लेना, मेहनत करने से पहले ये जरूर देख लेना।